जो आपने अप्लाई किया था वो अंडर रिव्यू में है, क्या आपके किस वजह से आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो रहा। ये यूट्यूब ने हाल ही में एक दिन पहले, एक दो दिन पहले ये अपडेट दी है, और आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, मैं आपके सामने वो भी लिखूंगा कि इन्होंने क्या अनाउंस किया है। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल पे और खुद देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। दोस्तों ये देखें, ये हमारे सामने लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो कि यूट्यूब की तरफ से है, सर्च कंसोल की तरफ से, जो कि एक यूट्यूब की ही है। इन्होंने ये देखे आर्टिकल लिखे हुए ये नीचे, इन्होंने लाइकली स्कैम, ये किस तरह के स्कैम हो सकते हैं, इस तरह लिंक स्कैम जो होते हैं वो, ये कीवर्ड जो सारा, ये इनकी भी नई अपडेट आई है, जो कि इन्होंने इन्होंने एक 24 घंटे या एक दो दिन हुए हैं जिस वक्त इन्होंने ये अनाउंस की थी। ये मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है और इसको उर्दू में कन्वर्ट किया हुआ है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, खुद ब खुद पैदा करदा मवाद, खुद कार तरीके से पैदा शुदा या खुद पैदा शुदा कंटेंट, ऐसा मवाद जो पैदा करदा प्रोग्राम है, ऐसी सूरत में जहाँ ये तलाशी की दर्जा बंदी को जोड़ी करना चाहते हैं वो सार्फिन की मदद करते हैं, गूगल इस तरह के मवाद पर अमल कर सकता है, इनमें शामिल है। ये कह रहा है कि जहाँ पर भी जो लोग वॉइस में करते हैं उनकी जो आवाज़ मैच होती है और इस तरह का कहीं पर भी कंटेंट होगा, हम उसको मोनेटाइज नहीं करेंगे, ये स्कैम में आएगा और हम उस पर जो कंटेंट होते हैं उनको अप्रूव नहीं करेंगे। ये देखें, ये आप नीचे और भी पढ़ सकते हैं आसानी के साथ, वो यही यूट्यूब बार बार यही इस तरह के ही कह रहा है कि अगर आपने मोनेटाइजेशन आपको चाहिए तो आपको यही करना होगा कि अपनी जो भी वीडियो है उसमें किसी किस्म का भी कोई भी कॉपीराइट कंटेंट ना हो और कोशिश किया जाए कि अपने फेस को सामने लेके आया जाए। फेस के वाली वीडियो को जो है यूट्यूब ज़्यादा प्रेफर करता है और ये मोनेटाइजेशन उन्हीं की ही होगी। तो दोस्तों आई होप आपको YouTube की मोनेटाइजेशन के हवाले से जो भी अभाम होगा दूर हो गया होगा। मिलते हैं हम अपने कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।